हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। तो अब हम ये बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल हैकर कैसे बना जाए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल हैकर हम कैसे बन सकते हैं और क्या क्या करना होगा, हमें क्या क्या सीखना होगा। मैंने इस कोर्स के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ सिखाया है आपको, लेकिन वही सब सीख जाने से आप एक प्रोफेशनल हैकर नहीं बन जाएंगे। हैकिंग एक आर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आप बुकों में पढ़ के सीख सकते हैं। हालांकि आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, लेकिन उससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे, हैकर नहीं बनेंगे। अब आप पूछेंगे कि तो आपने मुझे इतना कुछ सिखाया तो उसका क्या फ़ायदा जब मैं हैकर नहीं बन पाऊंगा। तो देखिए, हैकिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ईजी हैं, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको अपने वे में अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कैसे करना है वो आपको हैकर बनाता है, ना कि प्रोग्रामिंग सीख जाना। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे, कोडिंग करना सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, और हो सकता है आप क्रैक और हैक करना भी सीख जाएं। लेकिन उसको अपने तरीके से अपना खुद का इन्वेंट करके उसको हैक करना, वो आपको एक प्रोफेशनल हैकर बनाता है। कोई भी इंसान चीज़ों को इन्वेंट और नई चीज़ें तभी बना सकता है जब उसको उसकी गहरी समझ हो। समझ कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या? इन छोटे छोटे टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं, अलग अलग चीज़ों की। आपको पता है कंप्यूटर अपग्रेड होते हैं, राइट? जब कोई सॉफ्टवेयर होता है वो भी अपग्रेड होता है। जैसे आपको पता है कि गूगल क्रोम निकला था या कोई भी सॉफ्टवेयर निकला था, उसका पहले वर्जन 1 होता है, 1.0, राइट? जब वो शुरुआती दौर में निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो अपग्रेड होता है, 1.1, 1.2, ऐसे अपग्रेड होता है। ऐसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। शुरुआती दौर में किसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड होने के लिए सबसे पहले क्या, आप अपनी लाइफ को, अपने इस करियर को एक सॉफ्टवेयर की तरह लेके चलिए। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपको पता है कोई सॉफ्टवेयर जब रिलीज होता है तो वो फर्स्ट स्टेज में होता है, वर्जन 1 में होता है। तो वर्जन 1 लाने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर तो बनाना पड़ता है ना। ये कोर्स वही फाउंडेशन है, ये कोर्स आपके करियर की फाउंडेशन रख सकता है अगर आप इसको सीरियसली लें और इसको पढ़ने के बाद भी अपनी रिसर्च जारी रखें। जब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, मतलब उसका एग्जिस्टेंस हो गया, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको ये कोर्स सिखाया, आपने सीखा, मतलब आपको नॉलेज है। आप इस नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए अपग्रेड करने के लिए, वही मैंने आपको दी। ये एक फाउंडेशन कोर्स आप कह सकते हैं बिगिनर्स के लिए, कि यहाँ से आप फिर आगे शुरुआत कर सकते हैं। हैकिंग की जो ये दुनिया है, पूरी ये वर्ल्ड है, ये बिल्कुल असीमित है। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि सीखते जाओ तो लाइफ कम पड़ जाएगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें, अलग अलग तरह के अटैक्स हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको पता है कि कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में? बहुत सारे। सबको क्रैक करना है तो अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग हिसाब होता है। तो ऐसे ही हैकिंग में अटैक्स, बहुत तरह के हैक्स, अटैक्स और हर तरह तरह की चीज़ें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद के अटैक्स बनाने लगेंगे। तो ये चीज़ें सीखिए और इनको अपग्रेड कीजिए, आगे सीखिए। आगे कैसे सीखना है? इंटरनेट से। ये इतना बड़ा सोर्स है आपके पास, आप सीख सकते हैं। अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं, काले लिनक्स की खुद की एक सोसाइटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक सोसाइटी है, वहां जाइए, आप चीजें सीखिए क्या हो रहा है। तो ऐसे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है। ये नहीं सोचना है कि चलिए ये तो इस काम ने कोर्स सीख लिया, हम तो हैकर हो गए, हम बहुत बड़े इंसान हो गए। नहीं, अगर इस एटीट्यूड से आप चलेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। यही गलत फहमी होती है इंसानों में कि हम समझ लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें नहीं आता है। हम दिखाते हैं, हम अंदर से नहीं जानते। आप अंदर से जानते हैं कि आप कितना जानते हैं, लेकिन आप बाहर लोगों को यही बोलेंगे इस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद, मैंने हैकिंग का कोर्स किया, मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, मैं कुछ भी हैक कर सकता हूँ। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप इतना कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं काफी हद तक, इस प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करेंगे काफी हद तक आप चीजें हैक कर जाएंगे। हो सकता है आप अटैक्स कर लें सक्सेसफुली, चीजों को हैक कर लें, कंप्यूटर सिक्योरिटी में घुस जाएं, काफी कुछ कर लें, फूड प्रिंटिंग कर लें, या आप कह सकते हैं हैक कर लें किसी का अकाउंट, या ऐसी गलत चीजें भी कर लें, लेकिन वो गलत है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप इससे प्रोफेशनल हैकर नहीं बन जाएंगे। ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये अभी सिर्फ बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम बना है, और मैं ऐसे प्रोग्राम और बनाऊंगा जो प्रोफेशनल लेवल के होंगे। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से रिसर्च करेंगे। तो शुरुआती दौर से सीखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आपकी जो बेस है, जो आपकी नींव है, वही खराब रह गई तो इमारत तो गिर जाएगी। तो आई होप इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें किसी को ना बताएं। इसमें कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो सब लोगों को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर सभी हैकर बन गए तो फिर आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। जब सबको ही ये आ गया तो फिर आपको अलग कैसे हुए, आपको कोई जॉब क्यों देगा। तो ये सारी नॉलेज अब आप खुद तक ही रखें, ना फैलाएं किसी को,
मैं इसलिए फैला रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि इसी कोर्स जो मैंने आपको बताई है चीजें, ये बेसिक्स हैं, ये मैंने जो आपको बताई है, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पूछ लीजिए, आपको 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा, यही चीजें सिखाई जाएंगी, बुक्स ली जाएंगी। अब इसका रेट क्या है, इस प्राइस क्या है इसका, 299 रुपीज, इतने की तो एक बुक आ जाती है। ट्यूशन का, कोचिंग का खर्चा अलग, बुक्स का अलग, जाने का खर्चा अलग, और आपका टाइम 6 महीने 7 महीने में आपको सिखाई जाएंगी ये चीजें, वो भी फेर बदल करके। पहले के 2 महीने सिर्फ आपको थ्योरी रटवाई जाएगी, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज हैकर, ये चीज बताई जाएगी। क्या फायदा है इसका, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ 299 में आपको मेन चीज, जो मेन मसाला, वही मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए बनाता रहूँगा। ये तो एक हैकिंग के लिए था, मैं और चीज़ों के ऊपर भी प्रोग्राम बनाऊंगा, जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, या ऐसी एडवांस चीज़ें जो लोग करते हैं कंप्यूटर में, इनके ऊपर मैं कोर्सेज बनाऊंगा और आप सीख सकते हैं। इसका प्राइस मैंने ज़्यादा इसलिए रखा, 299 आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है इन चीज़ों का, क्या वैल्यू है इस नॉलेज की, तो आपको ये बहुत कम लगेगा। मैंने इसका 299 वैल्यू इसलिए रखी है ताकि हर इंसान तक ना पहुंच पाए, मतलब अगर कोई सीरियस नहीं है, जो अब मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या स्टूडेंट है 11-12 क्लास का, वो दोस्तों के अकाउंट्स हैक करने के लिए सीखना चाहता है, इसको गलत चीज़ों के लिए सीखना चाहता है, ऐसे ही मज़े में, तो मुझे नहीं लगता वो इतने पैसे खर्च करेगा, क्योंकि उसको इसके घर से मिलेंगे नहीं। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता स्कूल का, तो मुझे इतने पैसे इन सब चीज़ों सीखने के लिए नहीं मिलते, तो उनको नहीं मिलेंगे तो नहीं सीखेंगे। अच्छी बात है, अगर जो ऐसे बुरे इंटेंशन रखने वाले लोग हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन ना जाए तो ही बढ़िया, लेकिन जो सीरियस लोग हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कहीं काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों से ये कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं कि हाँ मुझको इसके बारे में पता है, मैं हैकिंग के बेसिक्स के बारे में जानता हूँ, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं और नॉलेज रखना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी भलाई करना चाहते हैं, कंपनी की भलाई करना चाहते हैं किसी की, तो ये कोर्स आपके लिए है। और आई होप अगर आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं तो आप 299 रुपीज आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा रकम नहीं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने YouTube चैनल पर। मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जहाँ पर मैं आपको हैकिंग और क्रैकिंग के ऊपर बताता रहता हूँ। तो ये जो कोर्स है ना, ये कभी भी YouTube पे नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन में मैं नहीं बता सकता, हर किसी को नहीं बता सकता, ये कुछ लोगों तक ही रहेगा और वो सीखेंगे बस। तो ये ओपनली कभी नहीं आएगा, ये उन लोगों को ही मिलेगा जो इसको खरीदेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।